सर, मेरा नाम अरुण कुमारी है। आज मैं आपसे हमारी टीम आपसे कुछ बातें, कुछ जानकारियां प्राप्त करने के लिए आई हुई है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपको सबसे पहले स्वागत देना चाहूंगी क्योंकि आप नए नए अभी अभी प्रिंसिपल पद के लिए प्रतिस्थापित हुए। तो सर, आप कैसे हैं? तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी प्राथमिक स्कूल शिक्षा से प्रोफेसर बनने तक का सफर कैसा रहा? मजेदार रहा। मैं गांव में पढ़ा, गांव के स्कूल में। मेरे गांव से करीब करीब बामुश्किल हाफ किलोमीटर है मेरा स्कूल था, और वहीं पर हम लोग पढ़ाई का काम करते थे। और वहाँ के टीचर जो है, उस समय के टीचर जो है, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ऑनेस्टली पढ़ाई करते थे। और उस समय एक कहावत चला करती थी, छड़ी और मार उठी रहती है परंतु छोड़ा हुआ बालक अपने माता पिता को लज्जित कराता है, ये कहावत प्रचलन में थी। और दूसरा कहावत ये भी प्रचलन में थी कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये प्रचलन, ये कहावत उस समय प्रचलन में थी, इसलिए खेल कूद हम लोग कम करते थे। खेल कूद भी होता था लेकिन कम करते थे, पढ़ाई पर ज्यादा हम लोग उस समय फोकस किया करते थे, क्योंकि मार के डर से हम लोग पढ़ते थे। अदरवाइज तो नहीं पढ़ते थे, शायद नहीं पढ़ते, लेकिन मार इतनी मिलती थी कि उस समय हम लोग मार के डर से पढ़ते थे। और मार का डर ही है शायद कि मैं आप यहाँ पर बैठा हुआ। आपको बाबूजी से ज्यादा डर लगता था या फिर अपनी माताजी से? मैं परिवार से किसी से नहीं डरता था जी। मैं रिस्पेक्ट करता था, डर नहीं था। एक मोरल डर, डर भी कई प्रकार के होते हैं, मोरल डर था, लेकिन मैं टीचर से ज्यादा डरता था। और मेरे पिताजी से भी मैं डरता था, माँ से भी मैं डरता था, लेकिन वैसा डर नहीं था जैसा डरना चाहिए। मोरल डर था कि मैं गलत करूं तो पता नहीं क्या होगा, ये डर था समय। धन्यवाद सर, आपके जवाब से लग रहा है कि आप काफी संघर्षपूर्ण जीवन सफर तय किए हैं। और दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके इस संघर्षपूर्ण सफर में जीवन में बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित हुए होंगे। सर, अब हमारा दूसरा सवाल। सर, मैं अपने प्रश्न को आगे की ओर ले जाना चाहूंगी। सर, आप बचपन से ही शिक्षक की ओर अपना करियर बनाना चाहते थे या फिर आपने बाद में कुछ ऐसा सोचा? मैं बचपन में पढ़ता था स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ता था। और जब मैं उस समय का जो पैटर्न था, स्कूलिंग पैटर्न था, वह था सातवां क्लास तक मिडिल स्कूल हुआ करता था, सेवन क्लास तक, एंड एट नाइन टेन इलेवन ये क्लास जो है उस समय हाई स्कूल हुआ करता था। तो मैं सेवन क्लास गांव में पढ़ा, एंड टेन एट नाइन टेन एलेवन इस क्लास की पढ़ाई के लिए मैं अपने गांव से करीब 12 किलोमीटर, एक जगह का नाम है लचरागढ़ वासी चर्च का स्कूल है, संत ज्ञानी हाई स्कूल, मैं वहां जाया करता था। सुबह 6 बजे निकलता था और शाम को स्कूल करके, पढ़ाई करके करीब 6 बजे फिर वापस आता था। और उस समय लंच की, या तो उस समय रिफ्रेशमेंट की, या आज की तरह बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता उस समय नहीं था। हम लोग सुबह खाते थे और शाम को फिर खाते थे, बीच में कोई खाना पीने की व्यवस्था नहीं थी। स्कूल भी ऐसा मतलब देता नहीं था कि बच्चे बीच में जाकर खाना खाते? नहीं, स्कूल भी नहीं था, उसी व्यवस्था भी नहीं थी। उस समय पैसा नहीं था, जिसके चलते कि आप लोग कुछ खरीद के मैंने खा लें, क्योंकि इतनी गरीबी थी कि हम लोग गर्मी के समय में तो गुलर होते हैं ना, गुलर और बाढ़ होते हैं, बाढ़ समझती है, बाढ़ का फल खा के हम लोग स्कूल किया करते थे उस समय। और आजकल तो बहुत सारे चाइनीज फूड वगैरह वगैरह टैबलेट लोग खा लेते हैं, वैसा उस समय व्यवस्था नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था। हमारी जो आने जाने का जो रोड था वो भी कच्ची थी, जिसके चलते हम लोग कच्ची रोड पर ही चलते थे पैदल, बिना पाँव में चप्पल के, बिना जूता के, बस एक उस समय का एक यूनिफॉर्म था, खाकी पैंट और एक नीला यूनिफॉर्म, नीला शर्ट, और कंधे पर झोला लटका के हम लोग चला करते थे।
वो भी 12 किलोमीटर और फिर वापस 12 किलोमीटर आते आते हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाते थे और उस समय खाने की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी, घर में भी नहीं हुआ करती थी। और जैसे कि हम लोग भरपूर खाना खा के चले, कोई सा भी नहीं था। मतलब आपने पूरा संघर्ष किया था जाकर आप पद में। संघर्ष तो उस समय बहुत था, संघर्ष था कि उसको मैं अभी बोलना शुरू करूं तो खत्म भी नहीं। हमारा तीसरा सवाल, धन्यवाद जवाब के लिए सर, आपके करियर की सबसे अच्छी घटना जो शिक्षक के गणित में आपको सबसे अच्छा महसूस हुआ, अभी तक का सबसे खूबसूरत घटना जो आपको हर लोगों को प्रेरणा देने के लिए प्रेरित करता है, वो वाक्य या वो शब्द या फिर वो घटना। मैं कहा करता था क्लास में भी, अभी भी मैं करता हूँ, जब क्लास करने का मौका मिलता है तो क्लास के लिए होती है। तो एक गुरुजी से मैंने सीखा था कि पहले के विद्यार्थी जो आश्रम में रहा करते थे, वे लोग गुरु के पांव को धोकर उसका पानी पीते थे। गुरु के पांव को चलते आते, पैर गुरु के पांव को धोकर उसका पानी पीते थे। लेकिन आज के विद्यार्थी अदरवाइज नहीं, आज के विद्यार्थी पीकर गुरु को धो देते हैं। ये मैंने अदरवाइज नहीं हुआ, मैं आज भी इसको मैंने क्लास में कभी कभी जो भी मूड में होता तो इस बात को रिपीट करता हूँ कि वैसी बात नहीं है। आज का समय और उस समय का समय बहुत अंतर। मैं एक सवाल इससे पहले भी था कि कैसे मैं इस प्रोफेशन में आया, तो हाई स्कूल में मैं एक प्रोफेसर को देखता, प्रोफेसर मास्टर को देखता था, पूरा टाई कोट लगा के आते थे, विकास मैं भी ऐसा बनता तो मैं उससे प्रेरणा लेता था। एक हिंदी पढ़ाते थे उस समय, एक मरियानुस डुंगडुंग करके एक टीचर हुआ करते थे, जो कि पूरे यूनिफॉर्म में आया करते थे, हमेशा गर्मी हो बरसात हो ठंड हो हमेशा यूनिफॉर्म में आते थे और बड़ा अच्छा लगता था उनको देखने में। और हम उनसे मन ही मन हमको लगता था कि काश मैं भी ऐसा बन पाता, तो मैं वही मेरा उस समय के लिए एक मॉडल था, प्रेरणादायक थे, जिसके चलते मैं भी चला आया। और बीच में कि मेरा 2 बार नौकरी लगा था, रेलवे में लगा था और एफसीआई में लगा था, लेकिन क्योंकि लोगों ने कहा ये ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं उस ट्रांसफरेबल जॉब को छोड़ दिया और मैं घर नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए मैं उन दोनों जॉब को छोड़ दिया। एक रेलवे की नौकरी थी और एक एफसीआई की नौकरी थी, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ट्रांसफरेबल जॉब पसंद नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे। सर, हम आपके नजरिए से जानना चाहेंगे कि 2020 में जो लॉकडाउन के बाद नई शिक्षा नीति आई है, आपने तो उसके बारे में पढ़ा ही होगा, आपने सुना भी होगा, तो वो आप अपनी तरफ से उसके लिए क्या राय देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे हमारे लिए प्रभावी होगा या फिर अच्छा होगा ये नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति अभी तक तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हर समय सरकार जो है एक जो बोलते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, प्रयोग के तौर पर उसको इस्तेमाल करती है। इसी भी पहले हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थी +1, +2, +3 यानी इसको बोलते हैं +1, +2, +3 उससे भी पहले और कुछ हुआ करता था। हम लोग पढ़े थे तो उस समय 2 साल आप पास को पढ़िए, 1 साल फिर होना पढ़िए, इस तरह की कुछ व्यवस्था थी, वो भी खत्म हो गया, फिर दूसरा आया, फिर ऐसे ही चेंज होते रहा। मैंने एक प्रैक्टिकल के तौर पर ये ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक होगा, वो ठीक होगा तो वो ठीक होगा। आपको लगता है कि ऐसे बदलाव होते रहने से शिक्षा में बदलाव आएगा? हमको ऐसा नहीं लगता है, जब तक आप अपने मन में बदलाव नहीं लाते हैं तब तक शिक्षा नीति में बदलाव करने से भी क्या फायदा। अभी भी हमारा मैंने इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि ऑनलाइन क्लास अभी भी हमारे यहाँ चल रही है और आने वाला शिक्षा नीति पता नहीं कितना, जब तक रोजगार लोगों को नहीं मिल जाए तब तक तो
नई शिक्षा नीति या तो पुरानी शिक्षा नीति या और भी कोई दूसरा शिक्षा नीति आप अपनाएं, तब तक तो हमको नहीं लगता है कि बहुत सफल होगा शिक्षा नीति जो नया आने वाला है। और उसमें ये सुना जा रहा है कि प्लस टू को यानी इंटरमीडिएट को खत्म कर देगा, तो खत्म कर देगा तो पता नहीं इतने इतने लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना समय दे दिया, पूरा समय दे दिया, 40-50 साल भी हो गया, वो लोग क्या करेंगे। जैसे कि पारा शिक्षक भी थे वो भी 11 12th के लिए अपना जॉब भर रहे थे, तो उनका क्या होगा, क्या होगा? अभी तो मेरा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, और ऐसी ही जॉब सिक्योरिटी उनका नहीं है। अभी भी प्लस टू में जो लोग पढ़ाते हैं कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं उनको तो बहुत अधिक पैसा भी नहीं मिलता है, और जो सरकार ने अभी प्लस टू में अपॉइंट किया है पता नहीं उनका क्या है, हमको नहीं पता है। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो कितना परिवर्तन आएगा मुझे नहीं पता है। जैसा की हम सबको पता है हम ऑफलाइन कक्षाएं, हमारी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी है, और कोरोना की पूरी तरीके से ये महामारी खत्म तो नहीं हुई है, हमें इसके लिए सावधानी बरतनी है, तो आप इस पर अपने छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना काल की महामारी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, तब भी हम उन्हें पढ़ने के लिए अच्छे से शिक्षा देने के लिए कॉलेज पे बुला रहे हैं, तो आप उन्हें कोई गाइडलाइन या फिर उनका पालन करना ऐसी कोई जानकारी? तो अभी तो सरकार का जो गाइडलाइन है मैं उसी के बारे में कहूँगा कि सरकार ने मुख्य रूप से 3 गाइडलाइन जारी किए हैं, और भी बहुत सारे गाइडलाइन है लेकिन मुख्य रूप से 3 गाइडलाइन है। पहली बात है सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलोअप करें, दूसरा है हमेशा आप मास्क लगा के रहे, और तीसरा गाइडलाइन है कि आप हमेशा सैनिटाइजर का या साबुन का इस्तेमाल करते रहे। ये मैंने प्राइमरी चीज है, और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी है जो कि खाने पीने से लेकर और भी बहुत भीड़ भड़ाका में नहीं जाने की बात है, और यहाँ स्कूल कॉलेजों में भी विशेषकर कॉलेजों में भी बहुत भीड़ भड़ाका एक साथ ना बैठने की, मतलब कम से कम एक डिस्टेंस 1 फीट का 2 फीट का मेंटेन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मुंह पर मुंह सिर पर सिर मैंने लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सरकार ने जो लागू किया क्योंकि शरीर तो हमारा है स्वस्थ भी हमारा है, इसलिए थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तो खुल गई है लेकिन फिर भी इन सारे गाइडलाइन को जो सरकार ने दिया है फॉलो करने के लिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन होगा कि इस गाइडलाइन को फॉलोअप करते रहे, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहे, समाज भी स्वस्थ रहे, कॉलेज भी स्वस्थ रहे, सब कुछ स्वस्थ रहे, जिससे कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं। इस उत्तर के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अब हमारा अंतिम से बिल्कुल अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप अपने छात्रों को अपने शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कॉलेज शुरू हुआ है 1 नवंबर 1971 को, और उसी समय से कॉलेज ने एक फॉर्मूला लागू किया, फॉर्मूला यानी समय, समय ही फॉर्मूला था आगे बढ़ने का। इस कॉलेज का जो अभी तक इतना बढ़ा है वो समय का रहा, समय को उन्होंने पकड़ा, समय को पकड़ के रखा, 6 बजे है तो 6 बजे, 7 बजे है तो 7 बजे, यानी समय के साथ चलना शुरू किया। और उस समय 25 विद्यार्थी थे, और आज एक उस समय बहुत था एक बहुत बड़ा पीढ़ बन गया। तो मेरा ये संदेश रहेगा विद्यार्थियों से कि समय का पालन करें, और अपने जो दिए हुए कर्तव्य है, पढ़ने का कर्तव्य अगर उनको मिला है तो उसको पढ़ें और आगे बढ़ें, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आपका कहना यही है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, हमें समय का बहुमूल्य ध्यान देना चाहिए, अपने गार्जियंस का, अपने माँ बाप का, अपने चहेतों का, अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने कॉलेज का, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े, और गलत संगति से बिल्कुल दूर रहे। अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, सबको धन्यवाद, थैंक यू सर।